Hi, this is our part 2. In the last we have done up to 8 cases, case number 9. इसमें फैक्ट ये है और इसमें लीगल इशू मेनली कि क्या करता अपने माइनर के बिहाफ पे उस माइनर के फ़ायदे के लिए उसको पर्सनल प्रॉपर्टी को एज ए मॉर्गेज एग्जीक्यूट कर सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए। तो इसका आंसर है हाँ, वो कर सकता है केवल दो कंडीशंस में, पहली लीगल नेसेसिटी हो और सेकंड कोई बेनिफिट मिल रहा हो उस स्टेट से। ठीक है, नेक्स्ट, क्या बेटा अपने बाप को दैट इज़ कर्ता को, जो कर्ता का हिस्सा है, जो को पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको एलिनिएट करने से रोक सकता है, मतलब ट्रांसफ़र करने से रोक सकता है बेटा? तो इसका आंसर नो, बेटा अपने बाप को एलिनिएट करने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि जो बाप है, जो करता है, वो आंसरेबल नहीं है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। ठीक है, करता उनको बता देगा, वो उनको इन्फॉर्म करेगा, लेकिन ही इज़ नॉट यू कैन से आंसरेबल। नेक्स्ट केस नंबर 11, कि क्या कोई मेजर अपने अपनी बेटी या जो बेटा जो भी है माइनर है उसकी शादी करने के लिए कर्जा लेता है, तो क्या अपनी प्रॉपर्टी बेच के कर्जा ले सकता है को पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के? तो इसका आंसर है ना। और जो कर्जा बेचने के लिए जो उसने वो काम किया है, क्या वो लीगल नेसेसिटी मानी जाएगी? तो इसका आंसर ना, लीगल नेसेसिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल थिंग है। ठीक है, तो एक मेजर माइनर की शादी के लिए जो कर्जा के लिए जो कर्जा मिटाने के लिए या फिर कर्जा ले रहा है अपनी प्रॉपर्टी बेच के, तो वो लीगल नेसेसिटी अमाउंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 12, इसमें ये है कि कोई करता जॉइंट हिंदू फैमिली वाला, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो एलिनिएट तो कर सकता है, जब कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है क्या वो तब भी कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, वो कर सकता है, केवल किस कंडीशन में? जब उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है उस फैमिली को। एग्जांपल, कोई बंजर भूमि है जहाँ पे कुछ नहीं उगता, ऐसी भूमि का क्या करोगे? तो उस कर्ता ने उसको डिगा दिया, उसे कुछ दो पैसे आए, तो क्या हुआ, कुछ बेनिफिट तो मिला फैमिली को। नेक्स्ट केस 13, इस 13 केस में सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि जो कर्ता है उसके पास प्रॉपर्टी कैसी है, वो को पार्टनरी है या फिर सेपरेट प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसके पास एक को पार्टनरी प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट इशू ये था कि जो उस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी की सेल डीड तैयार करवा दी, वो बेच रहा था अपनी प्रॉपर्टी को पार्टनरी प्रॉपर्टी को बेच रहा था, तो क्या वो बेच सकता है? हाँ, वो बेच सकता है, केवल दो कंडीशंस में, लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट में। लेकिन इन दोनों में से कोर्ट ने पाया कि ना तो लीगल नेसेसिटी थी और ना कोई बेनिफिट मिल रहा था उस परिवार को, इसलिए कोर्ट ने इस केस में उसकी जो सेल डीड थी उसको कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट केस नंबर 14, इसमें ये है कि क्या एक बाप अपनी बेटी की शादी के बाद भी अपनी को पर्सनल प्रॉपर्टी में से उसको कोई गिफ्ट दे सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, वो दे सकता है। और इसी केस में दूसरी चीज़ थी कि क्या कोई रिलेटिव को दिया हुआ गिफ्ट वैलिड है या नहीं। तो इसका आंसर है कि जो को पार्टनर प्रॉपर्टी का जो राइट है कर्ता के पास, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए किसी रिलेटिव को दिया हुआ गिफ्ट वॉइड माना जाएगा, बेटी को दिया हुआ गिफ्ट वैलिड है, चाहे बेटी की शादी हो रखी हो। ठीक है, ये काम वो हो गया। नेक्स्ट केस नंबर 15, इट इज़ सिमिलर लाइक 14, इसमें ये है लीगल इश्यू कि क्या बाप अपनी बेटी को गिफ्ट दे सकता है जो बेटी शादीशुदा है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो इसका आंसर है हाँ, वो दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, रीजनेबल लिमिट है। तो इस केस में जो बाप था उसने अपनी बेटी को कितना हिस्सा दिया, 1/20, 1/20 हिस्सा ही दिया, तो 1/20 तो कोई अनरीजनेबल तो नहीं है। तो कोर्ट ने उस गिफ्ट को वैलिड माना कि हाँ, वो दे सकता है। नेक्स्ट लास्ट
नेक्स्ट एंड इज द एंड द लास्ट 16। इसमें यह है कि एक बाप अपना कर्जा मिटाने के लिए अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच रहा है, क्या वो कर सकता है ऐसा? तो इसका आंसर है, पहले ट्रायल कोर्ट देखो, ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला। ट्रायल कोर्ट बोली, ना आप नहीं बेच सकते, ये कॉपर्सनल प्रॉपर्टी है, आप इसको नहीं बेच सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई वो बेच सकता है, वैलिनेट कर सकता है, केवल दो ही कंडीशन में, या लीगल नेसेसिटी हो या फिर कुछ बेनिफिट हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भाई जब आप सेल करने से फैमिली को कुछ दो पैसे मिल रहे हैं, माना कि उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं अब उस कर्जे को चुकाने के लिए, लेट अस सपोज उसको 1,000 रुपये का कर्जा था और उसको प्रॉपर्टी को बेच के सिर्फ 800 रुपये ही मिल रहे हैं, माना कि उसकी कंसिड्रेशन कम है, कंसिड्रेशन 1,000 होनी चाहिए थी, तब तो मानते कि बेनिफिट मिल रहा है, माना कि उसकी कंसिड्रेशन उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी 1,000, लेकिन मिल कितना रहा है 800 रुपये, माना कि कंसिड्रेशन कम है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल रहा है, ही इज़ गेटिंग सम काइंड ऑफ रिलीफ। रिलीफ फ्रॉम वट? रिलीफ फ्रॉम बर्डन ऑफ पेइंग रेंट टू दैट मॉर्गेज प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ तो उसको बेनिफिट मिला, रिलीफ तो मिली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू।